शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के मद्देनजर राज्य के अन्य शहरों से अच्छा नागपुर शहर का रिकवरी रेट है। शहर में कोरोना के केवल 100 के अंदर एक्टिव मामले हैं, बाकी 350 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसी संदर्भ में पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय से खास बातचीत हुई, साथ ही उन्होंने शहर में बढ़ते तापमान और शांतिपूर्वक मनाई गई ईद के बारे में भी जिक्र किया है। राज्य में पुणे, पिंपरी, चिंचवड़ में कोरोना का कहर जारी है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन सभी की तुलना में नागपुर का रिकवरी रेट अच्छा है, जिसका सारा श्रेय पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय ने जनता को दिया है। साथ ही प्रशासन के अंग मनपा, पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसमें बराबर के सहभागी है। उपाध्याय ने पत्रकारों को भी इस महामारी की लड़ाई में अहम योद्धा बताते हुए कहा कि मीडिया की वजह से ही नागरिकों तक जानकारी पहुँचाने और जागरूकता लाने में आसानी होती है। उपाध्याय ने शहर में जारी रेड अलर्ट के बारे में जानकारी देते हुए 47 से 49 डिग्री में काम करने वाले पुलिस कर्मियों की सराहना की और बताया कि इन योद्धा के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि उन्होंने हमको काफी कोऑपरेट किया, काफी हमको हेल्प किया। इसके बाद यहाँ पे प्रशासन के जितने अंग हैं, चाहे NMC हो, मेडिकल हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो और पुलिस हो, इन सबने मिल के काम किया और सबने मिल के काम किया है, टीम के रूप में काम किया है, इसीलिए हम इसको रोकने में सक्षम है। इसके साथ साथ हमारे पत्रकार भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारी बातों को पब्लिक तक पहुंचाने का या हमने जो कुछ काम किया उसको पॉजिटिव देने का। और इस काल में पत्रकारों ने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो, उन्होंने पुलिस के बारे में, प्रशासन के बारे में काफ़ी अच्छा लिखा है और काफ़ी हौसला अफजाई किया है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स है जिसके कारण हम यहाँ पे इसको रोकने में सफल हो पाए। सर, ये सही बात है कि कम से कम 2 महीने से हमारे पुलिस ऑफिसर कर्मचारी रोड पे हैं। ये जो संक्रमित इलाके हैं या कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे हमारे लोग लगे हुए हैं। आज आप देख रहे हैं कि 47 डिग्री गर्मी है, उसमें भी हमारे लोग हैं। लेकिन हमको एक आनंद है कि हम समाज की सेवा के लिए, नागपुर की सेवा के लिए डटे हुए हैं और हमको जो ट्रेनिंग दी गई है, या इसके बीच बीच में हमारे जो DG साहब है वो प्रमोट करते रहते हैं, हमारे मंत्री महोदय देशमुख साहब को खुद कॉन्स्टेबल से बात करते हैं, उनके परिवार से बात करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते एक टीम वर्क है और हमको ये आनंद है कि हमको तकलीफ है लेकिन हम नागपुर को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। सर, राज्य भर में 1200 के करीब पुलिस कर्मचारी और अधिकारी संक्रमित हुए, नागपुर में भी 8 लोगों को कोरोना संक्रमण का प्रभाव पड़ा है। सर, और क्या एहतियात बरती जा रही है विभाग की ओर से? देखिए, यहाँ पे 8 लोगों का हुआ था जिसमें 3 लोग हमारे पास डिस्चार्ज हो गए, बड़ी खुशी की बात है, और जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी निकल जाएंगे। और हमने इस पे चेकिंग भी शुरू कर दिया है, माननीय हाई कोर्ट में PIL हुआ था। राज्य में 1200 से अधिक पुलिस कर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, साथ ही नागपुर में इसके 8 मामले हैं, जिनमें से 3 ठीक हो चुके हैं और आगे की एहतियात के बारे में उपाध्याय ने कहा। देखिए, यहाँ पे 8 लोगों का हुआ था जिसमें 3 लोग हमारे पास डिस्चार्ज हो गए, बड़ी खुशी की बात है, और जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी निकल जाएंगे। और हमने इस पे चेकिंग भी शुरू कर दिया है, माननीय हाई कोर्ट में PIL हुआ था। उसके अलावा हमने अपने लोगों का टेस्टिंग शुरू किया है कंटेनमेंट जोन में। इसके अलावा जो प्रिकॉशन ले सकते हैं उनको शील्ड, फेस शील्ड दिया है, फेस मास्क की बात है, सैनिटाइजर की बात है या और प्रिकॉशन की बात है, उनको बाद उनको कुछ टैबलेट भी दिए हैं, होम्योपैथी के डोज भी दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे ऐसे उम्मीद है कि हमारे लोगों को संक्रमण नहीं होगा और सुरक्षित रह के लोग काम करेंगे। कोरोना के मद्देनजर हर छोटे बड़े सार्वजनिक त्योहारों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 25 मई को मनाई गई ईद भी शामिल है, जिसे मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घर में ही मनाया। इस पर उपाध्याय ने प्रशासन और मुस्लिम बंधुओं के बीच समन्वय की सराहना की। आपको मालूम है नरेंद्र जी कि हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सारे लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं, डे टू डे बेसिस पे उनसे हमारी बात होती रहती है। हमारे मोमिनपुरा के और हमारे सतनजीपुरा के, तहसील लकड़गंज के जो ऑफिसर हैं उनका उनसे बड़ा जबरदस्त संबंध है।
तो उन लोगों ने काफी हेल्प किया, बहुत मदद किया। यहाँ के जो मुफ्ती हैं या इमाम हैं, उन्होंने वीडियो जारी किया कि आप घर में ईद ईद मनाएं, बाहर ना आए, मस्जिदों में लिख दिया कि यहाँ पे नमाज आप अदा ना करें। तो इस हिसाब से काफी लोगों ने हेल्प किया, काफी लोगों ने मदद किया, और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। उनको जो भी सामान चाहिए था उसका हमने सप्लाई भी कराया ताकि उनका भी त्यौहार अच्छे ढंग से हो सके। तो एक तरह से बड़ा ही अच्छा पुलिस प्रशासन का और पब्लिक का एक समन्वय रहा जिसके चलते पॉसिबल हुआ। लॉकडाउन का यह चौथा चरण 31 मई को खत्म होने वाला है और आगे आने वाला पांचवा चरण 2 हफ्तों का होगा, जिसमें सरकार नई नियमावली जारी कर कुछ और रियायत देते हुए शहर की गतिविधि को बढ़ाएगी। जनता को केवल सामाजिक दूरी बनाकर दिशा निर्देशों का पालन कर सरकार को समर्थन करना है ताकि हम कोरोना को जल्द ही पूरी तरह मात दे सके। NBCN से दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।